फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत में होंगे, मजे में होंगे। तो आज का हमारा वीडियो है, आपने पहले ही थंबनेल में देख लिया होगा, तो वही हम लोग आज बनाने जा रहे हैं। और रिसाइकल करेंगे कार्डबोर्ड, जो कि आपको वो जो अगरबत्ती होते हैं उसमें मिल सकते हैं, और कोई भी उसमें सामान आता होगा तो उसमें मिल सकते हैं। तो उसी को आज हम लोग रिसाइकल करके एक पेन स्टैंड बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन स्टैंड बनाने के पहले आपको कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो चलिए वो सब हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा रोल कार्डबोर्ड लगेगा हम लोग को, कुछ ईयरबड्स लगेंगे, गम लगेगा, सीजर लगेगा, और ये एक ऐसा ही कुछ कार्डबोर्ड, और हमारा ये थर्मोकोल बॉल्स जो कि 2 रुपया 5 रुपये में मिलते हैं, जो कि हम लोग बर्थडे पार्टीज में यूज़ करते हैं, उसी को आपको हाफ हाफ काट लेना है ऐसे करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपको ये रोल कार्डबोर्ड और ईयरबड्स को ईयरबड्स से इस रोल कार्डबोर्ड का हेल्प इस ईयरबड का हेल्प लेकर के आपको इस माप का काट लेना है। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि और भी कुछ कॉमन मटेरियल्स है जो लगभग सब ट्रैक में लगता है, वो है कटर, स्केच पेन, पेंसिल, इरेजर और स्केल। तो देख सकते हैं ये ईयरबड की हेल्प से हमें इसे ऐसे माप लेकर के और इस कटर की मदद से आपको इसे काट लेना है ऐसे करके। आपको एक ब्लैक लेना है पेपर और इसको गम दे के ऐसे चिपका लेना है। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाने के बाद आपको इसके नीचे का पार्ट कोई भी एक कार्डबोर्ड ले लेना है और उसके ऊपर रखना है और उसका आउटलाइन कर लेना है और इसे कैंची की मदद से काट लेना है। इसको इसके ऊपर हम लोग को चिपका लेना है। वो इस साइड में भी मैं उसी वैसे ही गम लगा के चिपकाया हूँ और कैंची की मदद से आपको इसको काट लेना है। तो गाइस, हम लोग ने इसे काट लिया है और अब उसको उसमें हम लोग को चिपका लेना है। फ्रेंड्स, लगभग मैंने ये कंप्लीट कर ही लिया है, 3 गो आपको दिखाने के लिए बचाया है कैसे आपको लगाना है। यहाँ पर आपको पूरा में नहीं लगाना है, खाली ये जो ऊपर का पार्ट है इसमें लगाना है और नीचे का पार्ट इसमें लगाना है, क्योंकि ऐसे में भी ये आपका खाली रह रहा है पार्ट, तो बेकार गम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है आप ऐसे करके लगाइए, इतना आटे इतना ही लगाइएगा, ये 3 नहीं हट रहा है, 2 ही हट रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने 2 लगा लिया है। और देख सकते हैं आपको ऐसे करके, अब इसको आप हॉट ग्लू गन से भी लगा सकते हैं, ऐसे फेविकॉल से भी लगा सकते हैं, और इसको ड्राई करने के लिए लगभग 10 मिनट 15 मिनट रख दीजिए ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाए फिर दिखाएंगे आपको इसके ऊपर हम लोग वो थर्मोकोल बॉल्स लगा के। सो फ्रेंड्स, ये ड्राई हो चुका है, अब हम लोग को इसके ऊपर ये थर्मोकोल बॉल से फूल बनाने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये 3 बना चुका है और आपको ये दिखाने के लिए एक अभी बनाएंगे। तो क्या करना है, आपको चार जगह लगाना है, 4 साइड में। तो आपको पहले यहाँ पर गम ले लेना है और उसके बाद मिडिल में, मैंने देखिए यहाँ पर ब्लू है तो यहाँ पर ब्लू रहेगा, यहाँ पर वाइट है तो यहाँ पर वाइट रहेगा। आप कुछ भी दूसरा भी दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको लगा देना है डिफरेंट कलर्स, मल्टी कलर्स, अच्छा लगेगा देखने में। और एक तो सेम होगा ही, जैसे ब्लू है तो ब्लू को ही सेम रखिए, क्योंकि सब जगह जहाँ मिडिल में है वहीं वो वाला भी सेम है। देखिए देख सकते हैं, भी देख सकते हैं, और ये हो गया ऑरेंज, और ये हो गया आपका तो दिखते हैं चिपक गया है। अब सूखने के लिए हम लोग रख देंगे और देख सकते हैं ये चारों साइड में इतना अच्छा लग रहा है। अब देख सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद जय भारत। और इसको देखने के बाद मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन को दबा दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो बाय गाइस।